आपने बचपन से एक बात जरूर सुनी होगी कि भारत हमारा देश एक कृषि प्रधान देश है, यानी भारत में खेती और किसानी रोजगार का सबसे बड़ा जरिया है और मोदी सरकार खेती को उन्नत बनाने की तरफ लगातार तेजी से काम कर रही है। और इसी कड़ी में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों को एक बड़ा तोहफा दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में फसलों की बेहतर उपज देने वाले जलवायु अनुकूल और जैव सशक्त फसल की 109 किस्में जारी की। इस मौके पर उन्होंने किसानों और वैज्ञानिकों से बातचीत भी की। सरकार के इस कदम का मकसद कम लागत में ज्यादा उत्पादन के साथ ही पर्यावरण पर भी सकारात्मक असर डालना है। फसलों की नई उन्नत किस्मों के महत्व पर चर्चा करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कृषि में मूल्य समर्थन के महत्व पर खास जोर दिया। वहीं किसानों का भी मानना है कि खेती के लिए नई किस्में बेहद ज्यादा फायदेमंद होगी, क्योंकि इससे उनका खर्च कम होगा और पर्यावरण पर भी इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। प्रधानमंत्री श्री अनाज मोटे अनाज की जो बात कर रहे हैं और किसानों की आय दुगनी करने की बात कर रहे थे, इससे पहले मैं उनकी बयानबाजी सुन रहा था तो ऐसे लगता था ये बातें रियल नहीं है, लेकिन आज उनसे मिलके ये बिल्कुल साबित हो चुका है। वो किसानों को लेके बहुत सीरियस हैं। जो भी हमारी मीटिंग हुई वहाँ उन्होंने नई वैरायटियाँ लॉन्च की हैं जो कि आजकल के इन्वायरमेंटल के अनुकूल हैं। बहुत अच्छी मुलाकात रही और बारिश में भी जो है प्रधानमंत्री ने बहुत अच्छे से किसानों से बात की और उन्होंने जो नई नई वैरायटी जो पूसा संस्थान ने निकाली हैं और गिरने में भी वो जो है मजबूत हैं, तो इन वैरायटियों से जो किसान का लाभ होगा बहुत अच्छा जो है। इन्होंने पूसा संस्थान ने किसानों के लिए अच्छी अच्छी वैरायटियाँ दी हैं। कभी बारिश ज़्यादा हो रही है, कभी सर्दी ज़्यादा होती है, तो इसमें अलग 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 किस्में आई हैं। अनाज की अलग आई हैं, धान की अलग आई हैं, मोटे अनाज की अलग आई हैं, हॉर्टिकल्चर की अलग आई हैं। तो उन सभी किस्मों से किसान के जो है दिन कम होने वाले हैं, उससे उसकी लागत कम होगी, उसका जो खेती है उसके घर पे समय से पहुंच जाएगी और वो फसल जो है जलवायु की मार से बच जाएगी। इसमें बहुत बड़ा फायदा है इसके अंदर। तो प्रधानमंत्री ने इन नई फसल किस्मों को विकसित करने के लिए कृषि वैज्ञानिकों की भी सराहना की, तारीफ की। वैज्ञानिकों ने बताया कि वो प्रधानमंत्री की तरफ से दिए गए सुझाव के ऊपर काम किया, इससे बेकार पड़ी फसलों को मुख्य धारा में ले आया जा सके, इस पर भी काम किया गया। ऐसे में वो कौन कौन सी फसलें हैं जिनके उन्नत किस्म के बीज आज प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से जारी किए गए हैं, ये भी आपको बताते हैं। कुल 61 फसलों की 109 किस्मों में दरअसल 34 खेत की फसलें और 27 बागवानी की फसलें दरअसल शामिल हैं। इनके बीज प्रधानमंत्री की तरफ से जारी किए गए, इसमें खेत की फसलों में बाजरा है, चारा की फसलें, तिलहन, दलहन, गन्ना, कपास और रेशा, यानी कि जो ऐसे फसलें जिनसे सीधे पैसा मिलता है, मनी मेकिंग जो क्रॉप्स कही जाती हैं, उनका यहां पर दरअसल नई किस्में जारी की गई हैं। बागवानी की अगर बात की जाए तो फल की, सब्जियों की, बागान फसल, औषधीय फसल जो जड़ी बूटी कैटेगरी में मानी जाती हैं, फूल हैं, मसाले हैं और कंद फसल, ये भी एक तरह से मनी मेकिंग क्रॉप्स को माना गया है। और ये तमाम बीज प्रधानमंत्री की तरफ से जारी किए गए, किसानों को समझाया गया, बातचीत की गई और किसानों के ही सुझाव पर इसको लेकर वैज्ञानिकों ने काम किया है। फायदा क्या होगा, बदलाव क्या होगा, कृषि के हिसाब से क्रांति आप कह सकते हैं, क्योंकि कई फसलें ऐसी होती हैं जो हल्की हवाओं में ही, हल्की बारिश में ही दरअसल गिर जाती हैं। इन फसलों पर हवा का, पानी का असर भी कम होगा, यानी बहुत ज़्यादा बारिश पर ही इनकी पैदावार में कमी आएगी, जो कि अभी की फसलों से उन्नत मानी जा रही हैं और उसका सीधा लाभ जो होगा देश के अन्नदाताओं को मिलेगा। इसमें दलहन भी है, इसमें तिलहन भी है, इसमें खेती की फसलों के साथ बागानी की फसलें भी हैं, सब्जियां भी हैं, फल भी हैं और अलग अलग तरह की उन्नत किस्म के जो बीज हैं वो जारी किए गए हैं। तो इस बीच प्रधानमंत्री ने बाजरे के महत्व पर भी चर्चा की और प्रधानमंत्री ने बताया कैसे लोग पौष्टिक भोजन की ओर बढ़ रहे हैं। उन्होंने प्राकृतिक खेती के फायदे और जैविक खेती यानी ऑर्गेनिक फार्मिंग जो है उसकी तरफ आम लोगों के बढ़ते रुझान के बारे में भी बात की। प्रधानमंत्री ने कहा कि लोगों ने जैविक खाद्य पदार्थों का सेवन शुरू कर दिया है, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स जो हैं, और उसकी मांग भी लगातार बढ़ रही है। वहीं दूसरी तरफ सरकार के इस कदम से आने वाले वक्त में कितना फायदा होगा, इसको लेकर केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने खुद जानकारी दी। ऐतिहासिक दिन है जब प्रधानमंत्री खेतों में किसानों के बीच वैज्ञानिकों के साथ चर्चा कर रहे हैं, संवाद कर रहे हैं, चीजें समझ रहे हैं,
और सीधे विज्ञान का लाभ किसान को कैसे मिले, इस सरकार का लक्ष्य है अपने किसानों की समृद्धि खुशहाली, क्योंकि उनसे ही देश खुशहाल बनता है। और क्या किया जा सकता है इसके बारे में भी बहुत सकारात्मक सुझाव हमारे किसान भाई बहनों के आए हैं। ये संवाद किसान भाई बहनों से हमारा लगातार जारी रहेगा।